ओम श्री गणेशाय नमः दोस्तों, ओम गणपति समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के मीन राशि फल के बारे में कि आज के दिन मीन राशि वालों को किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और किन किन चीजों से इनको फायदा होगा, इनका बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा, इनका कैरियर और घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी भी हम आपको देंगे और आपको एक उपाय भी बताएंगे जिससे आपका दिन और भी और अच्छा हो सके। दोस्तों वीडियो आगे शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को भी दबाएं जिससे आप तक नई नई वीडियो समय समय पर पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कैसा रहेगा मीन राशि वालों का आज का दिन। पहले बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों आज के दिन किसी की गलत बात का समर्थन बिल्कुल ना करें, अन्यथा जवाबदेही आपकी भी बन सकती है। साथ ही ऑफिस में कामकाज का बोझ अधिक रहेगा, इससे मन तनावपूर्ण रह सकता है। दोस्तों नौकरी में उन्नति की पूरी पूरी संभावनाएं बन रही हैं, इसलिए परिश्रम में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना लाएं। साथ ही बड़े कारोबारी बड़े पैसे के लेन देन में चूक कर सकते हैं, सावधानी रखें। साथ ही कर्ज में पैसे देते समय विशेष सावधानी रखें और साथ ही बाजार का अंदाजा लगा पाना आज असंभव होगा। जीवन साथी से किसी बात पर विवाद की संभावना बन सकती है, धैर्य के साथ विवादित मामलों को हैंडल करें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपकी नेगेटिव बातों के बारे में। आज घर परिवार में किसी सदस्य से कहासुनी होने की संभावना बन रही है, आप अपने गुस्से पर काबू रखें। साथ ही साथ संतान की गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको इनकी तरफ से परेशानी उत्पन्न हो सकती है। और साथ ही अपने शत्रुओं की गतिविधियों पर भी पूर्ण नजर रखें और वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और साथ ही पैसों के लेन देन में जरूरी सावधानी रखें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके व्यवसाय के बारे में। कार्य क्षेत्र और व्यापार में तरक्की मिल सकती है, साथ ही व्यापार में थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ सकती है। साथ ही नौकरी करने वाले लोगों को मनचाही यात्रा भी करनी पड़ सकती है। अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो यह समय अनुकूल रहेगा, इसका आपको भविष्य में जरूरी लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर चल रहा मतभेद दूर हो सकता है, आप मामलों को शांतिपूर्ण सुलझाने की कोशिश करें। साथ ही दाम्पत्य जीवन में मधुरता और प्रेम का माहौल बना रहेगा और साथ ही बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। प्रेम जीवन में समय बिता रहे लोगों को सफलता मिलने की उम्मीद है, किसी पुराने मित्र से मुलाकात लाभदायक रहेगी, लव लाइफ में बेहतर सुधार आएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। वाहन और मशीनरी के प्रयोग से सावधानी बरतें और साथ ही अधिक दूरी की यात्राओं से शारीरिक थकान और मानसिक परेशानी उत्पन्न हो सकती है। पीठ दर्द और बदन दर्द जैसी समस्याओं से बचने के लिए नियमित योग और व्यायाम करें और साथ ही डॉक्टर की सलाह अवश्य लें और स्वस्थ रहें।